डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। इसमें आपको सॉल्यूशन निकालना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका कर्व विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड ये है क्वेश्चन नंबर 15 विच पासेस थ्रू मीन्स द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x। ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। y डैश मीन्स यू नो आपको मालूम होगा y डैश इज dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर x साइन x। इसको आप लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन x dx विच इज अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म y वाले y की तरफ x वाले x की तरफ। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y। इसको हम मान लेते हैं i। तो प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट c आएगा। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस e टू द पावर x साइन x। तो e टू द पावर x साइन x को हमने लिया है i। तो i का वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर x साइन एक्स। अब आप आइलेट रूल लगा के इसको इंटीग्रेट कर दें तो आइलेट में ध्यान से देखें प्रायोरिटी किसको है। तो प्रायोरिटी है इनवर्स को। इट इज़ नॉट एन इनवर्स। लॉग नहीं है। अल्जेब्राइक नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक शुड बी गिवन प्रायोरिटी। ये फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल विल बी सेकेंड। एक्सपोनेंशियल सेकेंड। तो इसमें आप जब रूल लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टेंट साइन एक्स कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू मीन्स डी एक्स एट द लास्ट इस इंटीग्रल के अगेंस्ट। अब ध्यान से देखिए अब ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ दिस प्रोडक्ट रूल यूज हुआ है कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड अज्यूम करेंगे। फिर से एक बार हम रूल लगा देंगे तो देखिएगा फिर एक बार जब हम रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास। तो हो जाएगा हमारे पास ध्यान से देखिएगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ब्रैकेट कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स और बाहर एक डी एक्स किसके लिए इस बड़े इंटीग्रल के लिए। तो ये आ गया आपके पास साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इज नोन टू यू ई टू द पावर एक्स होगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया प्लस हो गया। पर कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल ये याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसको नंबर दे देते हैं हम 1 ओके और i इक्वल टू जो लिखा हुआ था ई टू द पावर एक्स साइन एक्स इसको नंबर दे देते हैं 2। इसको नंबर दे दिया 2 क्योंकि अभी ये रिपीट होगा फिर इसकी जरूरत होगी। तो ध्यान से देखिए नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ पर कॉस एक्स का भी डेरिवेटिव माइनस आएगा तो ये प्लस फिर माइनस हो जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा साइन एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स विल बी ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब ध्यान दीजिए अब व्हाट इज दिस इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज वॉट। तो इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज वॉट दिस इज आई। तो सो आई कैन रीप्लेस देयरफॉर आई कैन रीप्लेस दिस बाय माइनस आई। और यूज क्या किया हमने तो यूजिंग 2 हमने इसमें सेकेंड इक्वेशन का यूज किया है। तो यहाँ आ गया माइनस आई। अब आप इसको ध्यान से सुनिए ये आपके पास लेफ्ट साइड इज आई। इस माइनस आई को आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2i। राइट साइड में आपके पास ये दो टर्म है इसमें से e टू द पावर x कॉमन साइन x माइनस कॉस x। इस 2 को आप अपॉन में भेज देंगे तो हो जाएगा e टू द पावर x साइन x माइनस कॉस x
होल अपॉन टू, या फिर आप यहाँ पे लिख दें। अब ये जो वैल्यू है आई की, दिस वैल्यू शुड बी सब्सटीट्यूटेड एट वन। इसको हमको कहाँ पे रखना है, तो इसको हम वन पे रखेंगे। तो वी शैल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ आई इन वन। सो नाउ ऑन पुटिंग, नाउ ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन वन, द आई द वन विल बी वॉट। देखिए ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ आई इन वन, वन विल बी वॉट, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब जो शुरू की कंडीशन थी, आप क्वेश्चन को ध्यान दो कि क्वेश्चन में लिखा था इट पासेस थ्रू ओरिजिन। तो सिंस इट पासेस थ्रू ओरिजिन तो पासेस थ्रू ओरिजिन है, तो इसका मतलब एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ऑन सब्सटीट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू जीरो, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ई टू द पावर जीरो बाय टू साइन जीरो माइनस कॉस जीरो प्लस सी, ये हो गया आपका वन बाय टू। वन बाय टू साइन जीरो इज जीरो, वन बाय टू इंटू जीरो इज वन जीरो माइनस कॉस जीरो इज वन, तो माइनस वन बाय टू। तो ये सी की वैल्यू आएगी आपके पास वन बाय टू, और वो सी की वैल्यू आपको यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। इसको नंबर दे दें आप थ्री, और इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, पुटिंग इन थ्री ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन थ्री। तो सी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी थ्री, नाउ इट हैज़ बिकम सॉल्यूशन। अब ये किसका सॉल्यूशन हो गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया जो एक्सपेक्टेड था, जो क्वेश्चन में था। तो दोस्तों ये देखा आपने, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 15 विच वी हैव सॉल्व ईजीली हैप्पीली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16th क्वेश्चन है। 16th क्वेश्चन आपका है कि फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं लिखता हूँ आपके लिए, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू, और इसका जो कर्व है वो कहाँ से पास हो रहा है, पासेस थ्रू वन माइनस वन, पासेस थ्रू वन कॉमा माइनस वन, द कर्व पासेस थ्रू वन कॉमा माइनस वन। तो इसको आप ऐसा लिख सकेंगे y dy, y प्लस टू को यहाँ भेज दें y की तरफ, x प्लस टू dx, ये dx इधर भेज दिया, x को अपॉन में ले लें अपॉन x। अब आप देख सकते हैं y वाली चीज़ें y की तरफ है, x वाली चीज x की तरफ है, विच इम्प्लाइज इसको आप लिख सकते हैं y प्लस टू माइनस टू अपॉन y प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ सेपरेट कर दें x बाय एक्स प्लस टू बाय एक्स डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल वन आ गया, वन का इंटीग्रल होगा x, टू बाय एक्स का होगा टू log x प्लस एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, इधर भी आप सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y प्लस टू अपॉन y प्लस टू माइनस टू अपॉन y प्लस टू डी वाई, वाई प्लस टू कैंसिल, ये वन आएगा, वन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी y, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, डी वाई वन इंटू डी वाई तो y, माइनस टू इंटू दिस, तो ये हो जाएगा टू log y प्लस टू इज इक्वल टू x प्लस टू log x प्लस c। अब दिया है सिंस इट पासेस थ्रू वन कॉमा माइनस वन, तो c निकालने के लिए वन और माइनस वन हम x और y की जगह डालेंगे। सिंस इट पासेस थ्रू वन कॉमा माइनस वन, तो x की जगह माइनस वन और y की जगह, x की जगह वन और y की जगह माइनस वन, y माइनस वन माइनस टू log माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू एक्स इज वन प्लस टू log वन प्लस सी।
अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया log वन, और बेस इसका आप ध्यान रख के, इसका बेस है e, सारे केसेस में बेस इसका e होगा। तो log वन इज ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। ये वन आप उधर भेज दें तो वन माइनस वन इज़ ऑलरेडी देयर, और ये वन और जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टू। सी का वैल्यू आ गया आपके पास माइनस टू, वो वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करिए। तो ऑन पुटिंग दैट वैल्यू ऑफ सी इन दिस, तो इसको नंबर दे देते हैं वन। तो पुटिंग इन वन, ध्यान से देखिए कैसी हो जाएगी ये पुटिंग इन वन, y माइनस ध्यान से देखें आप, y माइनस टू log, तो आप उसको एक काम भी कर सकते हैं, टू log y प्लस टू को राइट साइड में भेज दें, x को इधर ले लें, तो y माइनस एक्स टू log y प्लस टू प्लस टू log x, तो प्लस टू log x, तो ये 2 log x हो गया आपके पास। और c का वैल्यू है, c का वैल्यू आप देखिए, c का वैल्यू कितना है माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू लिख दें, और उस माइनस टू को आप जब यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस टू। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर प्लस टू, ये आ गया आपके पास। अब आप इनको क्लब कर सकते हो, तो ये 2 को आप पावर में ले लो, 2 को इसकी पावर में ले लो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए 2 को पावर में ले लो, तो ये आपके पास देखना क्या हो जाएगा, ये आपके पास होगा इस कुछ इस तरह से, y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ये 2 पावर में जाएगा तो ये हो जाएगा log y प्लस टू होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर। फिर यहाँ log की प्रॉपर्टी, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो ये बन जाएगा log y प्लस टू इंटू y प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये है आपके पास y माइनस एक्स प्लस टू। मैंने आपको कहा है बेस यहाँ पे e है इसका, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसका एक्सपोनेंट वो ले लेते हैं एंटी लॉग, तो ये e टू द पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास y प्लस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स, और होल स्क्वायर है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, दैट्स इट। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ इट कैन बी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट वी आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू 0 माइनस 2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्या दिया है आपको, फाइंड द कर्व थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, 0 माइनस 2 से, गिवन दैट क्या गिवन है वो भी देखते हैं, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन द कर्व, एट एनी पॉइंट पी टी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन कर्व, slope of its tangent is product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point is equal to
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो इतना ही ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लिखा ज़्यादा है, बस चिंता की बात नहीं है, कि कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे टेंजेंट है, तो ये कर्व है, इसके किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब वो बोल रहा है कि स्लोप का और वाई कोऑर्डिनेट का, इसका प्रोडक्ट, तो स्लोप इंटू वाई, स्लोप इंटू वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, बस इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये हो गया आपका वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, कॉन्स्टेंट ले लो सी बाय टू, टू टू सबके कैंसिल हो गए, तो आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसको नंबर दे देते हैं वन, ये किससे पास होता है, तो इट पासेस थ्रू जीरो माइनस टू, तो बस जीरो माइनस टू रखते से ही सी की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा, सिंस इट पासेस थ्रू जीरो माइनस टू। तो अब आगे की बात लिखते हैं, सिंस इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू जीरो माइनस टू, पासेस थ्रू जीरो माइनस टू, तो जीरो माइनस टू रख देंगे इसमें तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिएगा वाई की जगह रखेंगे माइनस टू, माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस सी, तो इससे वैल्यू आ जाएगा फोर इज इक्वल टू सी, देयर फोर इक्वेशन ये वैल्यू पुट करेंगे वन में, पुटिंग इन वन विच विल गिव इक्वेशन, पुटिंग इन वन विल गिव अस इक्वेशन, वो आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपने देखा काफ़ी सरल है, कोई खास बात ऐसी इसमें है नहीं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 18। वो इसके सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं और सरल हैं, अगर आप सिस्टमेटिकली एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो यू विल बिकम चैम्पियन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको करने के बाद कुछ सेटिस्फैक्शन, कुछ कॉन्फिडेंस और कुछ मन में एक अलग टाइप की फीलिंग आती है कि ना, और आपको मैंने जान के ये बात की खुशी भी होगी कि ज़्यादातर रिसर्च जो पहले मैथमेटिक्स में होती थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग हो, चेंज पे हो, फ्लूइड डायनामिक्स हो, डायनामिक्स हो, तो वो सारी जो एक रिसर्च होती थी उनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता था वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ही होता था, और आज भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है नाउ क्वेश्चन नंबर 18 वी आर गोइंग टू सॉल्व। एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑन ऑफ अ कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस। मैं बिल्कुल छोटे रूप में क्वेश्चन लिख देता हूँ, एट एक्स कॉमा वाई ऑन कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस है, देखिए ट्वाइस, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू माइनस फोर माइनस थ्री इज ट्वाइस द लाइन जॉइनिंग एक्स कॉमा वाई कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसी को कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री। Find the equation of the curve if it passes through minus 2, 1. Find curve which passes through, किससे पास होता है, which passes through minus 2, 1. तो hopefully question भी आपको clear है,
और बहुत अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। एट एनी ए पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो ध्यान से सुनो, ये मान लीजिए कि कोई कर्व है, ये कर्व है, कर्व पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, कर्व पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। इस ध्यान से सुने, इस कर्व के पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे एक टेंजेंट है, उसका स्लोप, तो उसका स्लोप होता है डी वाई बाय डी एक्स। वो जो डी वाई बाय डी एक्स है, वो जो स्लोप है वो ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, ट्वाइस है, ध्यान से देखिए, लाइन ज्वाइनिंग कॉन्टेक्ट पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, तो ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट यहाँ बना दिया मैंने, ये पॉइंट है माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, ये पॉइंट है माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री, इसको नाम दे देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं ए। तो ये किसके स्लोप के इक्वल है, तो ट्वाइस स्लोप ऑफ ए पी, ट्वाइस स्लोप ऑफ ए पी, ए पी के स्लोप का डबल। तो ए पी का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ए पी का स्लोप टू पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। कैसा स्लोप होता है टू पॉइंट से, तो आपको याद होगा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपके पास x1 कॉमा y1 और दूसरा है आपके पास x2 कॉमा y2, तो स्लोप होता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका स्लोप है, किसका स्लोप है, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का। तो इसमें AP का स्लोप कैसे निकलेगा, तो AP का स्लोप कैसे निकलेगा, तो स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP इस तरीके से निकलेगा। देखिए y2 माइनस y1, तो अगर आप इसको x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस y माइनस फोर माइनस x, सब माइनस माइनस का दिखता है, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। ये याद रखना कि पास हो रही है माइनस टू वन से, इसकी ज़रूरत हमें आखिरी में पड़ेगी, तो ये आप कैंसिल कर दें माइनस माइनस कॉमन लेके, तो ये जाएगा थ्री प्लस y, या फिर और सिंपल y प्लस थ्री एक्स प्लस फोर। तो हमारे पास दोस्तों अब आ गया है कि कर्व का जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है dy बाई डी एक्स, वो ट्वाइस है स्लोप ऑफ AP के, AP का स्लोप आ गया। अब कर्व किससे पास हो रहा है, ये कर्व पास हो रहा है किसी माइनस टू कॉमा वन से, हमने कोई क्वाड्रेंट का एक्चुअल इसका फिगर बनाने की कोशिश नहीं की और क्वाड्रेंट का ध्यान नहीं रखा, एक जनरल प्रेडिक्शन बताया है कि कोई पॉइंट है माइनस टू कॉमा वन इस कर्व पे, ये माइनस फोर कॉमा माइनस थ्री का होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट कर्व पे हो, ये कहीं पे भी हो सकता है, पर ये पॉइंट कर्व पे होगा। तो आइए अब देखते हैं, तो हमारी जो ध्यान से देखना है अब आपको, जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है y ट्वाइस y प्लस थ्री इज अपॉन x प्लस फोर। अब हमको क्या करना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगी, y वाली चीज़ें y की तरफ, x वाली चीज़ें x की तरफ, तो हो जाएगा आपका dy वाई अपॉन वाई प्लस थ्री ट्वाइस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर, और इंटीग्रेशन मैंने लगा दिया है क्योंकि y वाली चीज़ें y की तरफ, x वाली चीज़ें x की तरफ हो गई हैं। आखिरी का ये आप ध्यान रखेंगे कि पास किससे हो रहा है कर्व, तो द कर्व पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कर्व पास हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इसका इंटीग्रेशन है log y प्लस थ्री बेस e, इसका इंटीग्रेशन है ट्वाइस log x प्लस फोर बेस ई, कॉन्स्टेंट आप चाहे तो c लिख दें चाहे तो log लिख दें, लेकिन आपको ये कंडीशन दी हुई है इसका यूज़ करना पड़ेगा, आप c लिख दें कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंस इट पासेस थ्रू, मीन्स विच पासेस थ्रू द कर्व, सिंस द कर्व पासेस थ्रू, कर्व पासेस थ्रू, पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा वन, तो माइनस टू कॉमा वन इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो माइनस टू वन सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लॉग वन प्लस थ्री, बेस क्या होगा उसका, बेस उसका ई है, इज इक्वल टू माइनस टू लॉग
यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस टू प्लस फोर, माइनस टू प्लस फोर प्लस सी, लॉग क्या हो गया ये आपके पास फोर, इधर इसको ले लें आप प्लस टू, और ये देखिएगा क्या हो जाएगा आपके पास, फोर माइनस टू विल बी व्हाट, फोर माइनस टू हो जाएगा टू, इसका बेस कितना है ई सी। अब ध्यान से सुनो, ये टू आप पावर में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा लॉग फोर बेस ई प्लस लॉग टू स्क्वायर बेस ई इज इक्वल टू सी। अब लॉग एम प्लस, ये टू भी पावर प्रॉपर्टी से गया लॉग की, अब लॉग एम प्लस लॉग एन वो हो जाएगा आपका लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा लॉग फोर इंटू टू स्क्वायर फोर। ये वैल्यू आ गई आपके पास सी का, सी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास लॉग ऑफ 16 इज इक्वल टू सी। ये जो सी की वैल्यू है इसको हम कहाँ रखेंगे, वी शैल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन वन, तो ये वैल्यू हमको रखना है वन में, तो हम दोस्तों इसको वन में रखते हैं और वन में रख के थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए लॉग y प्लस थ्री इज इक्वल टू टू लॉग, आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, इसको पावर में ले लें, तो ये हो जाएगा आपका लॉग x प्लस फोर स्क्वायर बेस ई प्लस लॉग 16, तो ये अपने पास आ जाएगा आपके पास y प्लस थ्री इज इक्वल टू सॉरी लॉग y प्लस थ्री, और इधर लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m प्लस लॉग n लॉग m इंटू एन लॉग m इंटू एन, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस फोर होल स्क्वायर इंटू 16, तो ये आपका आ गया y प्लस थ्री इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस फोर होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो कंडीशन थी, तो एज पर द कंडीशन दिस इज द सॉल्यूशन, ये आपका दोस्तों सॉल्यूशन था। अब हम आते हैं, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 19 पे हम नजर फेरेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, मींस चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम, ये क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 19, और आपकी एक्सरसाइज आपको मालूम है, एक्सरसाइज आपकी है 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन, 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बलून, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली बलून जो होते हैं वो स्फेरिकल नहीं होते, तो स्फेरिकल बलून इज व्हाट कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, तो कांस्टेंट बलून, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, बलून इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज थ्री, इनिशियली इट्स रेडियस इज थ्री, इनिशियली इट्स रेडियस इज थ्री यूनिट्स, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूनिट का अपने को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एंड आफ्टर थ्री सेकेंड इट इज आफ्टर थ्री सेकेंड्स, सेकेंड्स इट इज सिक्स यूनिट्स, कौन रेडियस इज सिक्स यूनिट, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड। अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर टी सेकेंड्स, तो आप इतना ही कर लेते हैं कि फाइंड रेडियस, रेडियस निकालना है आपको,
तो चेंज ध्यान से सुनिए, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज एट अ कांस्टेंट रेट, चेंज कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो पहले चेंज, तो वी किसको मान लेते हैं हम, कुछ अजम्पशन ले लेते हैं, वी ले लेते हैं हम वॉल्यूम को, आर ले लेते हैं रेडियस को, और टी ले लेते हैं किसको हम, टी ले लेते हैं टाइम को। तो चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज होगा तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, नेचुरली वॉल्यूम में चेंज होना मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ था इनिशियली और यहाँ आफ्टर, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम इसको नहीं मिटाते ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आपको दिया है गिवन है, गिवन क्या है आपको ध्यान से देखें, चेंज इन वॉल्यूम डी वी बाई डी टी, चेंज इन वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ अंडरस्टूड, क्योंकि आगे की भी बातें किसके ऊपर है, टाइम पे बेस्ड है। इनिशियली इट इज़ 3 यूनिट्स, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स, तो डी वी बाई डी टी इज़ के, के मतलब कॉन्स्टेंट। ये इंटीग्रल कांस्टेंट नहीं है, ये वो कांस्टेंट है जो हमें दिया हुआ है कि बलून इज मींस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज कांस्टेंट। तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। और आपने देखा फिजिक्स में इसका यूज़ हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो डी वी का इंटीग्रेशन वी के डी टी का, के कॉमन आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, या आप के का टी के रिस्पेक्ट में के टी समझ लें प्लस सी। पर अब ये वी नहीं काम करेगा, वी की वैल्यू, उसका वैल्यू काम करेगी। वी क्या चीज़ होता है आपको, तो वी आपको मालूम होगा कि वॉल्यूम ऑफ अ बलून इज़ व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ अ बलून आपको मालूम होगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ बलून एक ही चीज़ है। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 πr³ इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब आपको जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को देखें, इनिशियली मतलब टाइम कितना होगा, 0, रेडियस कितनी थी इसकी, रेडियस कितनी थी 3 यूनिट्स, इसका काम ख़त्म हुआ। इनिशियली टाइम था 0, रेडियस थी 3, तो r की जगह 3 रख देंगे, 4/3 π³ के इंटू 0 प्लस सी। अब आप इसको चाहें तो ये 3 से इसको कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 3² 9 9 4 36 π, ये 36 π किसकी वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है, ये सी की वैल्यू यहाँ रखनी होगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4/3 πr³ इज इक्वल टू के टी प्लस 36 π। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, इट इज मींस रेडियस इज 6 यूनिट्स आफ्टर 3 सेकेंड। तो टाइम की जगह क्या रखेंगे, 3, रेडियस की जगह रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 4/3 π³ इज इक्वल टू के इंटू 3 + 36 π। अब आप इसको कैंसिल कर दें तो देखिए, ध्यान से देखें, ये आपके पास हो गया है 4π, ये है 6³ आपको मालूम होगा, 6 × 36 into 6 216 होता है, तो 36 × 6 ही लिख देता हूँ मैं, 36 × 6, तो ये 3 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 36 × 2 आपके पास आ जाएगा 72, तो ये हो जाएगा 4 × 72 π, माइनस आप 36 π को उधर लाएं, तो 36 π मतलब है 4 × 9 π इज इक्वल टू 3 k, 3 से आप इनको उड़ा दें, 3 से इसको उड़ा दें, 3 × 3 = 9 कर दें, 3 से इसको भी कर दें, तो 3² = 6 और 3² = 12। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 π, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए 24 − 3 इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 24 माइनस
आप जानते हो 24 माइनस 3 इज व्हाट, इट इज 21, 21 इंटू 4, तो 21 इंटू 4 84 पाई। या आप इतना भी लिखे रहने देंगे तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, 4 तो 4 पाई इंटू 21। ये वैल्यू को आपको कहाँ सब्सटीट्यूट करना है, दिस वैल्यू इज टू बी सब्सटीट्यूटेड एट हियर, मीन्स इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में आपको रखना है। यहाँ तक हम सॉल्व करते करते आए थे, अब आपको इस जगह आपको वैल्यू रखना है, किसकी वैल्यू रखना है, के की। तो के की वैल्यू क्या होगी, इसमें रखेंगे तो आपके पास ध्यान से देखें क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के का वैल्यू 4π × 21 प्लस 36π, सबका 4π कैंसिल कर दो, 4π कैंसिल कर दो, 4π कैंसिल कर दो, तो ये 4×9 जाए, तो अब इतना आ गया आपके पास आर क्यूब का वैल्यू, तो 3 को उधर भेज दो, सॉरी टी भी है ना इंटू में टी, तो 3 उधर भेज दो, तो ये 3×21 आपके पास हो जाएगा 63t प्लस आपके पास आएगा ये 9π, और r की वैल्यू निकालना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ द साइड्स, ये आपके पास एट द लास्ट दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन होगी रिक्वायर्ड, और होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका सोल्यूशन, और बिल्कुल आसान था, बेहद आसान था। एक बार जब आप स्वयं सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, जब सेल्फ करेंगे तो आप इसको और बेहतर ढंग से रियलाइज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ आप बैंकिंग में भी देखेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, एक्सरसाइज 9.4, चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्वेश्चन इज लाइक दिस, इन अ बैंक, बैंकिंग में यूज, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप ध्यान रखिएगा, PALE नहीं है, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर या पर एनम, एक ही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आर मीन्स फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, इफ रुपीज का ये सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ, रुपीज 100 डबल्स इन 10 ईयर्स, ये दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है log 2 का वैल्यू, अगर log 2 का वैल्यू दिया है तो ही यूज करना, नहीं तो log में ही छोड़ देना आंसर को, 0.6931। कई बार बच्चों को ये याद रहता है log 2 का वैल्यू, तो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में इसका यूज होता है, तो log 2 की वैल्यू इन जनरल याद हो जाती है आपको, पर आप अगर दी हो वैल्यू, इस क्वेश्चन में दी है, आप बुक देखेंगे तो यू विल फाइंड कि log 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं, प्रिंसिपल तो यूज करना है, और नहीं दी हो तो log 2 में छोड़ना है, इतनी सी बात है। प्रिंसिपल पी है, पी में क्या चेंज हो रहा है, एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर ईयर, चेंज dp/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, टाइम से ही इसका संबंध है कि 10 साल में डबल हो जाता है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, r परसेंट ऑफ p, तो ये हो जाएगा आपका dp/dt इज इक्वल टू rp/100, तो ये हो जाएगा आपके पास dp/p इज इक्वल टू r/100 dt। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दें क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ चुका है, dp/p, तो dp/p का इंटीग्रेशन होगा log p dx/x के जैसा, log p बेस e
और r अपॉन 100 बीइंग कॉमन, ये कॉमन आ जाएंगे, और dt का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t विल बी व्हाट, t प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट विल अपीयर c, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है c। अब आपको दिया हुआ है इफ रुपीज 100, शुरू में स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इनिशियली व्हेन टाइम वाज जीरो, हम टाइम को क्या मान रहे हैं जीरो, तो व्हेन टी वाज जीरो, व्हेन टी वाज जीरो यू डिपॉजिटेड, कितना पैसा आपने डिपॉजिट किया, तो वो प्रिंसिपल ही होगा, आपने जो रुपया जमा किया वो क्या बनेगा, वो प्रिंसिपल होगा। जब आप बैंक गए, आपने बैंक में अकाउंट खोला, आपने पैसा जमा किया, तो उस टाइम को टी आपके लिए, टाइम तो बहुत समय से चल रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए टाइम को जीरो मानेंगे, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको 100 मानेंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें रखेंगे, ये आपकी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। लेट दिस बी स्टार, लॉग 100, लॉग 100 का वैल्यू 2 होता है, पर बेस जब 10 हो, यहाँ पे बेस e है, ध्यान रखिएगा, r इंटू 0 अपॉन 100 प्लस c, तो ये c का वैल्यू आ गया, ये तो 0 है तो ख़त्म हो गया, 0 इंटू, तो c का वैल्यू लॉग 100 आ गया, वो यहाँ पर रखेंगे, पुटिंग इन स्टार, तो जब हम स्टार में रख देंगे तो स्टार क्या हो जाएगी, देखिए स्टार इक्वेशन ये बनेगी, ध्यान से देखेंगे, log p इज इक्वल टू आर टी अपॉन 100 प्लस log 100 बेस ई। अब इसके आगे भी पढ़ें, रुपीज 100 डबल्स इन 10 ईयर्स, जब 10 साल बीत गए तो आपके 100 रुपये कितने हो गए, 200 रुपये हो गए, तो वो जो 200 रुपये आपका, जिसको आप अमाउंट कहते थे, वो आज नहीं है, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद वो आपके जेब के पैसे हो गए, तो 10 साल बाद जब वो आपके जेब के पैसे हो गए, तो वो आपका जो अमाउंट था 10 साल बाद वो खुद प्रिंसिपल बन जाएगा, तो 10 साल बाद व्हेन टी इज 10 ईयर्स, टाइम यहाँ पे ईयर्स में है, तो टाइम 10 ईयर्स, प्रिंसिपल कितना है आपका, अब 200 रुपये हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग 200 बेस ई आर इंटू 10 अपॉन 100, ये जीरो से जीरो काट दें, प्लस लॉग 100 बेस ई, ये लॉग 100 को यहाँ लाएं, जब ये लॉग 100 को आप लाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा, देखिएगा क्या आएगा, लॉग 200 माइनस लॉग 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 10, ये आ गया आपके पास। अब log 200 माइनस log 100 विल बी व्हाट, तो ये हो जाएगा आपका log 200 अपॉन 100 डबल जीरो डबल जीरो आर अपॉन 10, ये आपको log 2 का वैल्यू दिया है 0.6931, तो आप वो वैल्यू को यहाँ रख दें 0.6931 इंटू, ये 10 को यहाँ ले लें इंटू में 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.931 परसेंटेज, ये वैल्यू आएगी दोस्तों आर की, ये आपका रेट परसेंट आएगा, कि अगर आपका इनिशियल जो 100 रुपीज़ है वो डबल हो गया कितने साल में, 10 साल में, तो रेट परसेंट कितनी थी। तो इस तरह से आप बैंकिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है 21, एक्सरसाइज है 9.4, चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 इज डिपॉजिटेड एट द बैंक
an amount of rupees 1000 is deposited with the bank, how much will it worth after 10 years? ये है 1000 deposited in the bank, deposited with the bank है, with the bank. ये कह रहा है आपसे कि what will be its worth after 10 years? After 10 years its worth, after 10 years its worth, इसकी कीमत 10 साल बाद, ये पूछा है आपसे. तो प्रिंसिपल आप P मान लें, P किस रेट से चेंज हो रहा है, तो चेंज मीन्स dP by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्यों? क्योंकि टाइम के कंटेक्स्ट में सब कुछ है. तो और टी इज वेल नोन टू अस, टी रिप्रेजेंट्स टाइम, डीपी बाय डीटी प्रिंसिपल में जो चेंज है वो किस रेट से हो रहा है, 5% पर ईयर. लेकिन 5% किसका? प्रिंसिपल का. तो 5% ऑफ पी, तो ये हो जाएगा डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू 5p अपॉन 100. तो ये 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यह जाएगा 20. डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास dt अपॉन 20. वेरिएबल सेपरेबल, p वाली चीज़ें p की तरफ, t में कुछ नहीं है तो केवल dt है. इधर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन विल बी व्हाट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट्स इंटीग्रेशन विल बी log p इज इक्वल टू टी बाय 20 प्लस सी. अब आप ध्यान से देखिए, इनिशियली आपने पैसे कितने जमा किए, तो इनिशियली कहाँ लिखा है? तो इनिशियली कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जब आप शुरू में गए, आपने रुपए 1000 जमा किए, तब टाइम आपके लिए कितना था? बैंक बहुत दिन से खुला था, हमारा जीवन कई दिन पहले था, हमसे पहले भी लोग थे वो जी रहे थे, लेकिन जब बैंक खुला तो टाइम कितना था? 0 था. पी कितना था? प्रिंसिपल कितना था? मतलब जो हमने जमा किया वो 1000 था. तो इससे ये आप ध्यान रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है. अब इसमें हम रखेंगे log 1000 और बेस इसका आप ध्यान रखिएगा, बेस